अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और मैं आतिफ कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहे हो? बोलो। और शबाना यहाँ बैठी हुई है, क्या बोलती शबाना मैडम? कुछ नहीं, बच्चों के लिए पास्ता बनाई थी, अब मम्मा के लिए बस ये 4 पीस बचा है। आती और अश्विन को दे दी और मैं और अश्विन का मुंह देख रही बैठ के। 10 रुपए का मंगाई तो क्या आएगा? मैंने बच्चों के लिए मंगा ली, तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। हाँ ठीक है, बनाओ। और तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरे को तो पहले दिखाओ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ सिर्फ कहने के लिए। कहने से तो आज मुझे आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है। मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ गाइस, बहुत सारी बातें करनी है और अपना दिल हल्का भी करना है और बहुत कुछ बताना है। तो पानी दे दो। हाँ बताओ। मैं बच्चों को पानी दे दूँ, चाय बच्चों को नाश्ता करवा दो, फिर हम आराम से बैठ के हम मैं वसीम मिलकर अच्छे से बात करेंगे आपसे, ठीक है? ब्लॉग नहीं आने की वजह और मेरी टेंशन, अब बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों से। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो हे गाइस, हम नाश्ता वाश्ता करने के बाद में मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मेरे पेट में हो रही थी दर्द, तो मैं कुछ बनाई नहीं। और अब जा रहे हम शफीक भाई के घर पे, हमारा खाना उधरी है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो भाभी ने वहीं बना लिया है हम लोग के लिए खाना। तो जा रही हूँ, वहाँ खावा के आऊंगी, फिर आराम से आके आप लोग से बात करूंगी, है ना? चलो चलो सुन आ जाओ। तो हे गाइस, हम आ गए भाई के घर पे से खाना वाना खा के, और मस्त भाभी ने दाल चावल बनाए थे और हमने चिकन मंगाए और सब मिलकर खाए, मजा आ गया। चटनी वीडियो नहीं बनाया थे ना दोनों, देखो अभी भी कैसा आ रहा है। भैया से बस यही हैरान करके रखे, तो हम खा वा के आ गए अच्छे से। और मेरी तो 2-3 दिन से भी तबीयत नहीं थी, लगातार मेरे पेट में कंटिन्यू दर्द हो रहा है। इसका हालत ऐसा हो गया ना, इसको 9 महीना लग चुका है। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। मैं ना 2 डेट में थोड़ा फंस रही हूँ। अब मैं 15 तारीख के दिन जाऊंगी, डॉक्टर मुझे क्या बोलेगी क्या नहीं, इससे पहले एडमिट भी करना पड़ सकता है। और बहुत ज्यादा जैसे तकलीफ हुआ, डिलीवरी का दर्द आया, तो एडमिट भी हो सकती हूँ। कैसा मेरा डेट थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैंने कुछ और बोल दी, मेरी डेट कुछ और मतलब थी। तो मतलब ऐसे डिटेल में बताने जाऊंगी तो बोलेंगे शबाना बहुत बड़ी बेशरम है, तो मैं डिटेल में नहीं देना चाहती, बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह बस मेरे लिए दुआ करो कि मेरा आसान डिलीवरी मेरा अच्छे से हो, आसानी से हो। हाँ डिलीवरी अच्छे से हो, आसानी से हो, क्योंकि 3 दिन से लगातार हो रहा है। रूम भी खाली करना है और इसका मालूम पड़ा भैया 25 से पहले डिलीवरी हो गया तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा। बस दुआ करो कि मेरा डिलीवरी जब भी हो, आज कल 2 दिन 4 दिन जब भी हो जाए। ऐसे तो डॉक्टर ने बोली है कि समझ लो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है, या उसके पहले भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। अभी इस बीच में 2-4 दिन में कभी ऐसे पेन आया तो मैं चली जाऊंगी एडमिट होने, नहीं तो मैं ऐसे तो 15 को जाने ही वाली हूँ। तो अभी रिक्शे बातचीत करके रखेंगे, रिक्शे वगैरह के भी, कि कभी रात भी रात कभी वैसे कुछ जरूरत पड़े तो जा सके। ऐसे तो 3 दिन से दर्द हो रही है, थोड़ा डेट को लेके आगे पीछे हो गया है। अरे अब डॉक्टर सोनोग्राफी निकालने के बाद ही बताएगी कि क्या है क्या नहीं, देखते हैं अभी, है ना? और गाइस मैं ये आप लोग से ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कि हमारा व्लॉग नहीं आ पा रहा है बराबर, प्रॉपर व्लॉग नहीं आ पा रहा है, और टाइम पे व्लॉग नहीं, हम लोग कुछ दिखा बता नहीं पा रहे हैं, कुछ बना नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी नहीं ठीक रहती है। अभी मेरा लास्ट मंथ स्टार्ट है, लास्ट भी बोल सकते हैं और को थोड़े दिन भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन चक्करों में मेरा नहीं व्लॉग आ रहा है बराबर। और दूसरी बात, मुझे घर खाली करना है यही महीना 25 तारीख को, मतलब घर खाली करना है, लास्ट 25 डेट है हमारी खाली करने की। और जो हमने घर देखे हैं, जो हमने घर देखे वहां हमको चाबी वहां मिलेगी हमको 20 तारीख के दिन, 20 तारीख से हम लोग शिफ्टिंग वगैरह चालू कर देंगे वहां, और वहां से 25 तारीख से वहां भी भाड़ा हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू होने लगेगा। और रही बात एक जो सबसे जरूरी बात है गाइस, मैं बहुत सोच समझ के और थोड़ा सा समझ के कुछ ऐसे बोल रही हूँ आप लोगों से, शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो जैसे कि मेरे को 25,000 भरना है डिपॉजिट का, यहाँ का भी मुझे भाड़ा वाड़ा क्लियर करके, जो थोड़े बहुत मेरे पर जो छोटे मोटे कर्जे वर्जे के है और जो घर के थोड़े बहुत काम वाम है वो सब कर वर के और सब साफ सफाई करके तब अच्छे से यहाँ से मुझे निकलना है। तो मेरे पास में 15,000 जमा हो गया है जिसमें से मुझे 10,000 कम पड़ रहे हैं। तो
सॉरी गाइस, मिर्ची का ढसका लग गया था थोड़ा सा, इसलिए मैं चली गई थी। तो मेरे पास मतलब अभी 15,000 मेरे पास जमा हो गया है, मतलब तो 10,000 का अभी मेरे को कम पड़ रहा है। तो गाइस मैं एक चीज आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, मैं इस वजह से बहुत टेंशन में हो रही थी, इसकी वजह से बहुत बीमार पड़ रही हूँ, ब्लॉग मेरा बराबर नहीं आ रहा है। तो मैंने सोची आप लोग से बात करूँ, थोड़ा अपना दिल हल्का भी करूँ। और मैं जो जो मेरी इन बातों से सहमत है, जो मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं और समझते हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज गाइस मेरी हेल्प करो, जो भी है मेरा थोड़ा बहुत मसला ये सब हल हो जाए। तो मैं अपना नंबर फोन पे नंबर अपना डालूंगी, जिस जिस को मेरे को भेजना रहेगा पैसा, गूगल पे दोनों डालूंगा नंबर, और जो जो मेरे को भेजेगा मैं उन लोग को थोड़े दिन के बाद रिटर्न भिजवा दूंगा। और मेरी इतनी हेल्प करो कि मेरा ये सब जो मेरा टेंशन मसला जो चल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा था ना गाइस, मैं बीमार पड़ रही हूँ और घर ब्लॉग नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है, प्रेशर है, मेरा डिलीवरी भी कभी भी होने वाला है, शिफ्टिंग भी करना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा ही मतलब एक डिप्रेशन वाला मतलब ऐसा हो जा रहा था माइंड मेरा, तो क्या क्या संभालना पड़ेगा मतलब। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी कुछ हेल्प करो, ठीक है, मेरी कुछ हेल्प करो। और जो भी मेरी हेल्प करना चाहता है, जो मेरी बातों से सहमत है इन चीजों को लेके, मेरी बातों को लेके जो सहमत है, मेरे को हेल्प करो, इंस्टा पे मुझे मैसेज करो। सबसे पहले तो वसीम शबाना 18 जो मेरी हेल्प करना चाहता है, थोड़ी बहुत जो भी हेल्प करना चाहता है, वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो। और इंशाल्लाह जो भी मुझे पैसा देगा, स्क्रीनशॉट मैं रखूंगी उनका, और मैं जरूर वो पैसा रिटर्न दूंगी जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। तब मतलब 2-3 महीना लगेगा सर। हाँ बोलो। तो सची मैंने गाइस आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग से बताऊ, क्योंकि सब कुछ एक साथ में हो रहा है, तो हम लोग हर एक चीज नहीं एक साथ में मैनेज कर पा रहे हैं। और गाइस मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि कमेंट में ये सब मत बोलना, खास करके के इससे मांग लो, भाई से ले लो, इससे ले लो। तो गाइस मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी शफीक भाई से 5,000 ले चुकी हूँ, अभी हाल ही में ली थी, मुझे कुछ जरूरत थी तो मैं उनसे हाल ही में ही अभी 5,000 ले चुकी हूँ, मुझे कुछ काम पड़ गया था, तो मैं उनसे भी नहीं मांग सकती। और मांगने की बात नहीं, एक्चुअली क्या उसका भी थोड़ा, हाँ उनकी भी मतलब, तो पूरा बोलने तो उनसे भी मैं नहीं मांग सकती, क्योंकि उनके खुद के अपने एक पर्सनल खर्चे हैं और अपने एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और क्या बोलते रहे चैनल वैनल को भी लेके मतलब अभी नहीं इतना चल रहा है, तो उन्होंने उनसे जितना हुआ उन्होंने मेरे के हेल्प की है, तो मैं नहीं बोल सकती। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप लोग से जितना होता है आप मेरी हेल्प करो, इंशाल्लाह मैं उसको रिटर्न भी दूंगी, जो भी मेरी हेल्प करेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट रखूंगी। उनसे मांग लो, इनसे मांग लो, बाजी से ले लो, दीदी से ले लो, आपा से ले लो, प्लीज गाइस सबने कहा किसी को मेरे से मोहब्बत है, मेरे को समझता है, जिसको देना रहेगा प्लीज मेरे को इतनी हेल्प करो, बस मैं बस ये बोलना चाहती हूँ। और मैं नंबर उसमें डाल दूँ, क्या बोलते उसमें, अरे कैप्शन पे लिख दूंगा दोनों नंबर, टेंशन मत लो। हाँ अल्लाह, बाप रे बाप, 10-10-20 हो जाएगा। हाँ दोनों नंबर डाल दूंगा मैं, नहीं गूगल पे फोन पे तुम्हारा ही जाएगा ना, दोनों का जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, चलो गाइस, और फिर मिलते हैं हम कल गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग जैसे रहेगा आप मुझे जरूर बताना, और क्या, ठीक है, बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे को अभी 20 तारीख के दिन ही डिपॉजिट देना है, तभी मुझे घर की चाबी मिलेगी गाइस। और मैंने 20 तारीख के दिन डिपॉजिट पूरा नहीं क्लियर करी तो वो घर मेरे हाथ से चला जाएगा, वो बहुत अच्छा रूम, इतना अच्छा, माशाल्लाह अच्छा घर मिल गया मेरे को, और जस्ट मस्जिद के पीछे। हाँ। के जरा भी टेंशन नहीं रहेगा, बच्चा वहाँ से मेरा अरबी भी चला जाएगा। हाँ, आजाद की आवाज भी आएगी, मतलब अच्छा है, ठीक है, घर अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा है सब, ये भी ठीक है, इतना मतलब वो नहीं है, मेरे पास कैसा है ना, अभी सोने बैठने की जगह नहीं हुई, अभी 4 है हम लोग, अभी 5वां भी आएगा, कोई मेहमान ने आ जाए तो मतलब समझ रहे ना आप लोग, फिर थोड़ा सोने उने की जगह कम पड़ जाती है। अभी रानू भी आएगी, इसके डिलीवरी सामान ने तो कहाँ सोएगी वो, अभी मेरा कैसा है ना कि अभी दिन भर तो हम लोग लेट के बैठ के ऐसे निकाल लेते टाइम पास करके। अरे दोनों बच्चे इतना परेशान कर देते ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो है गाइस आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, तो जरूर बताना, मैं नंबर दोनों डाल दूंगा, ठीक है। हाँ। और जो भी मेरे को भेजेगा तो उसका स्क्रीन शॉट मार के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, इंस्टा आईडी भी मैंने बता दी, वहाँ भी भेज सकते हो। हाँ, वसीम शबाना 18 अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा जरूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ कैसा लगा, कैसा लगी, नहीं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अच्छा ही लगा होगा, अब तू सो जा, काला पीला तो लगा नहीं होगा। तो गाइस
लाइक कमेंट शेयर, चार बार बोल चुकी हूँ, कुछ एकदम ध्यान ही हटा दे रहे, कभी वहाँ देखने लगा, कभी वहाँ देखने लगा रहे। हाँ चल बोल। तो हे गाइस, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा तो जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। घंटा बना देना गाइस मत भूलना, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल प्यार सपोर्ट दीजिए। ऐसे उंगली करते रहते हैं बीच बीच में, बहुत मेरा एकदम जान का उड़ा के रख दिए। सोच रहा था लेकिन क्या बारात आने वाली है तुम्हारी, सोच रहा था लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना गाइस, और अपना यही प्यार बनाए रखे, और आप लोग अभी अपना ख्याल रखे और हमारा भी ख्याल रखे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।